जब लोकसभा के उपचुनाव हुए थे नेताजी के जाने के बाद, तब डिंपल यादव ने यहां से चुनाव जीता था लगभग 3.25 लाख वोट से। यहां मैं सुन रही हूं कि 5 लाख का नारा दे रही हैं आप, या उससे भी ज्यादा से जीत। मैं समझती हूँ ये नारा मैं नहीं दे रही हूँ, जो हमारे समर्थक हैं, जो यहाँ की जनता है, जो लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं। पूरा परिवार पूरी तरीके से लगा है यहाँ पर आपके? मैं समझती हूँ क्योंकि अभी चुनाव हुए थे 2022 में और लोगों का बहुत साथ और समर्थन मिला था, और इस बार का जो पूरा जो माहौल है, मैं समझती हूँ समाजवादियों के साथ है और बिना किसी धर्म और कास्ट और सब कास्ट के सब लोग एक साथ समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। जी आपको आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आपने चुनाव नहीं जीता था, एक सिंपथी लहर में आप चुनाव जीत पाई थी 2022। अब विरोधी तो कुछ भी कह सकते हैं, तो उस बात का हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो है लोग हैं वो त्रस्त हैं इस मौजूदा सरकार से, उनको उनकी नीयत के बारे में समझ आ गया है कि किस तरह दबाव बना के ये लोग सत्ता में हमेशा रहना चाहते हैं और बिना लोगों को सुविधा और बिना कोई काम करे हुए। और जो भी बातें रही हैं इनकी 2014 से लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर और अब फिर ये चुनाव जो हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ 7 साल का उत्तर प्रदेश का कार्यकाल और 10 साल का बीजेपी का केंद्र का कार्यकाल, मैं समझती हूँ निराशाजनक लोगों के हाथ आई है। मैनपुरी को भले ही गढ़ माना गया हो समाजवादी पार्टी का, लेकिन 2 विधानसभा इस समय यहाँ पर बीजेपी के पास हैं। जयवीर जी मैनपुरी सदर से विधायक हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन जयवीर जी कहते हैं कि यहाँ पर मुलायम परिवार का कोई खड़ा हो जाता है तो आज तक कभी हारा नहीं, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा। ये भी सच्चाई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कभी भी अपने जितने राजनीतिक करियर में डिंपल जी चुनाव लड़ी हैं, वो एक चुनाव जीतने के बाद दूसरा कभी नहीं जीती, हमेशा आ रही है। आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल मुकाबला होगा यहाँ? कोई मुश्किल नहीं होगा, इस बार जनता ने बदलाव का निर्णय लिया है। तो लगता है जातीय समीकरण यहाँ का तोड़ पाएंगे? समाजवादी पार्टी के वो लोग जिन्होंने जीवन अपना खपाने का काम सपा में किया, नेताजी के समय से संस्थापक सदस्य, उनको भी पूछने वाला या तो समाज का कोई नहीं है। उसके बाद लोग कहते थे कि इन्होंने केवल कमरियों को किया, घोसियों को कुछ नहीं किया, इसमें भी दो जातियां कम घोसियों कमरिया दो गोत्र हैं, वो भी अब घोसी अलग हो गए इनसे। उसका कमरियों का आया, अब तो कमरियों ने भी कह दिया कि हमसे भी कुछ नहीं, केवल परिवार के अलावा कुछ नहीं बचा। सारे जो इनके लोग थे समर्पित थे जीवन भर इनके साथ थे, वो भी इनसे अलग हो गए। बदायूं की सुपरहिट सीट से भी मुलायम परिवार के ही एक सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं और बीजेपी की ओर से दुर्विजय सिंह शाक्य। दुर्विजय सिंह शाक्य हमारे साथ हैं। कैसे इस बार आप अपनी तैयारी कर रहे हैं जब 35 साल से आप बाकियों को चुनाव लड़वाते रहे हैं ब्रज क्षेत्र? देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा साल में 365 दिन काम करता है और हम लोग, मैं ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष होने के नाते लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूँ, इसलिए संगठन का तंत्र हमारा बना हुआ है। मैं बदायूं का स्थानीय रहने वाला हूँ, इसलिए निश्चित रूप से जो मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था है और योगी जी की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसके आधार पर जनता का इस समय भारतीय जनता के पार्टी के प्रति अपार श्रद्धा है। मुलायम परिवार के ही सदस्य का कैंडिडेट होना, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में वोटर उनके बने हुए हैं अभी भी। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 4 या 5 यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो पांचों उनके परिवार के चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो परिवारवादी पार्टी है इससे अब जनता ऊब गई है। जाति का वोट टूटेगा? निश्चित रूप से मुझे बड़ी मात्रा में यादव समाज का भी वोट मिल रहा है। बदायूं में जब पहले उम्मीदवार की घोषणा की गई थी उस समय शिवपाल जी यहां से थे, लेकिन शिवपाल जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भारी मांग पर आपको यहां भेजा जा रहा है। यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार में लगकर आसान लग रहा है मुकाबला या मुश्किल? देखिए बदायूं में एक बहुत पुराना रिश्ता समाजवादी पार्टी का रहा है, नेताजी यहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी रहे, फिर भाई धर्मेंद्र यादव जी रहे और किन्हीं कारणों से पार्टी ने निर्णय लिया था पहले के आदरणीय शिवपाल सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन जब हम लोग जनता में आए, जनता में बात हुई तो जनता के बीच से आवाज, क्योंकि
पूर्व का जो इतिहास रहा है उसमें भी भाई धर्मेंद्र यादव जो चुनाव लड़े थे वो युवा थे, और मैं समझता हूँ बदायूं को एक युवा चाहिए था, तो इसीलिए उन लोगों ने इस बात को उठाया। और चुनाव में कहीं भी मुझे लगता है सभी समाज और सभी वर्ग के लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान और यादव ही, सभी वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। बिकॉज इस वजह से, क्योंकि काम हम लोगों ने पूर्व में जब भाई धर्मेंद्र यादव सांसद थे, तब जब सरकार रही समाजवादी पार्टी की, तब काफी काम यहाँ पे हुआ, तो आज उस विकास से जो वंचित रह गए हैं यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, कहीं ना कहीं इसी वजह से समाजवादी पार्टी को इस बार जिताने जा रही है पार्टी। आप कह रहे हैं कि केवल MY समीकरण नहीं होगा, बाकी भी होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि हो सकता है जो मुसलमान है वो टूटे इसमें से, क्योंकि सामने BSP के कैंडिडेट ऐसे हैं? नहीं, देखिए, पूरे देश के अंदर जो चुनाव है वो NDA वर्सेस इंडिया, सिर्फ ये होने वाला। और खासकर बदायूं के अंदर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि भले ही मुस्लिम समाज से कैंडिडेट हैं, लेकिन जो लोग हैं सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सीट सुपर हिट है विदिशा। यहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं, और कांग्रेस की तरफ से उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में हैं भानु प्रताप शर्मा। इस गर्मी में सब बैठे हैं, लेकिन 100% मतदान के लिए आप क्यों बोलते हैं? क्या आपको डर है कि पहले दो फेज में जो लोग निकल कर नहीं आए हैं वो अब आए, निकल कर आए? क्यों नहीं आए लोग निकल कर? नहीं, यहाँ कोई डर नहीं है, सब वोट डालेंगे। एक बात जरूर है कि सामने वाली पार्टी में कोई दम ही नहीं है, तो कई बार लोगों को लगता है जीत ही रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि कहीं बहने वोट वोट डालने से चूक न जाए कि भैया तो जीत ही रहे, हम भी हम अकेले न डालें तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए बहनों से कह रहा हूँ सब वोट डालना। लखपति दीदी का बार बार, लखपति अपनी बहनों का बार बार आप जिक्र करते हैं, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होती है कि वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 1,00,000 रुपए देंगे सालाना? देखिए, मैंने बचपन से मेरी बहन और बेटियों के लिए काम किया है, बेटी और बेटे में भेद होता था तब मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, मेरी 50,00,000 बेटियां आज लाडली लक्ष्मी हैं, तब मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। बाद में बहनों को स्थानीय निकाय में 50% सीटों पर रिजर्वेशन दिया, संबल जैसी योजना बनाई, और फिर लाडली बहना योजना बनी जिसमें बहनों के खाते में 1,250 रुपया आने लगे, और अब संकल्प है प्रधानमंत्री जी का भी, और इसलिए हमारा भी संकल्प है कि बहनों को गरीब नहीं रहने देना है, क्यों बहने गरीब रहे। आप अपने विरोधी को लेकर कोई बात नहीं करते हैं, मैं सुन रही हूँ सारे मंच पर, आप सिर्फ उस रिश्ते की बात करते हैं, आप सिर्फ अपनी बहनों की बात करते हैं, भाइयों की बात करते हैं, आप अपने विरोधी की बात नहीं करते हैं, क्या ये आपका अति आत्मविश्वास है? नहीं, हम काहे के लिए अपनी सकारात्मक बात करें ना, हम जो करने वाले हैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हम उसकी बात करें। अब इस इलाके में करण सिंह जी हमारे मंत्री हैं, यहाँ से हमने तय किया कि यह सूखी जमीन है, नर्मदा का पानी लाना चाहिए, तो नर्मदा जी को पाइपों में लेके आ रहे हैं शक्तिशाली मोटर लगा के, तो हम लोग अपने काम की बात करते हैं सकारात्मक। मध्य प्रदेश की कुल कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं? 29 की 29। छिंदवाड़ा कैसे जीतेंगे? जीत ही रहे हैं, भारी अंतर से जीत, पक्का। कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह तक आप लोगों को टक्कर दे रहे हैं राजगढ़ में। दिग्विजय जी भी हार रहे हैं, कमलनाथ जी के बेटे भी हार रहे हैं, मोदी मैजिक चल रहा है, लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है, केवल विश्वास नहीं, श्रद्धा भी है और भक्ति भी। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नए जो अभी जुड़े हैं पिछले 4-5 वर्षों में, उनको भी ये भरोसा दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस का एक साथी होने के नाते, प्रदेश कांग्रेस का एक पदाधिकारी होने के नाते, दुख तकलीफ में आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके ऊपर हाथ चलूंगा। सुपरहिट सीट राजगढ़ से कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है, उनका मुकाबला BJP के सिटिंग MP रोडमल नागर से है। अपने पिता के लिए लगातार साथ साथ में प्रचार कर रहे हैं, एक इमोशनल बात भी है आप मन से करते हैं उनके आखिरी चुनाव होने का। जी, आज ये आम चर्चा है पूरे राजगढ़ लोकसभा में कि दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने 50 साल अपना पूरा जीवन समर्पित किया है क्षेत्र के लिए, यहाँ के विकास के लिए, लेकिन आज दिन तक भाजपा सरकार के द्वारा या रोडमल नागर जी के द्वारा एक भी बड़ा विकास कार्य क्षेत्र में नहीं हुआ है, जबकि वो 10 साल सांसद रह चुके हैं लगातार रोडमल नागर जी। तो इसीलिए आज जनता चाह रही है हमारे पूरे क्षेत्र की, क्योंकि स्वयं कहा है दिग्विजय सिंह जी ने
ये उनका आखिरी चुनाव है, तो इस बार जनता की भावना है कि ऐतिहासिक जीत उनको दिलवाएं। जिस रोडमल नागर जी को जनता ने 4.5 लाख वोट से विजय बनाया था, वही 5 साल लापता रहे, 10 साल लापता रहे, तो ये जनता की आवाज है, मेरी आवाज नहीं, जनता की आवाज है। लगातार जनता के बीच रहते हैं, जनता के सुख और दुख में शामिल होते हैं, जब कोई अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, हम लोग खड़े रहते हैं उनके लिए। कोई भी काम होता है, हमारा ये प्रयास रहता है कि जन सेवा साल के 365 दिन करें, साल के 12 महीने करें, क्योंकि हमने हमेशा यहाँ पर जो एक संबंध बनाए हर घर हर परिवार के साथ, वो पारिवारिक संबंध है। तो इसलिए हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हर परिवार का भला हो, हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, हमारा उद्देश्य यही है। ये बताइए कि अभी तक जो आपके सामने विरोधी इस सीट पर 2 बार रहे हैं, क्या वो उतने मजबूत थे? दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अब मैं आ गया हूं, अब बदल गया। देखिए, कोई दिग्विजय सिंह जी से कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, उसके सामने कोई कहीं नहीं टिक पाएगा। केवल कमल का फूल ही दिखेगा, कमल का फूल ही दिख रहा है। गुना की सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने हैं कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह यादव। इस परिवार की सोच और विचारधारा जनसेवा है और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। इस परिवार की परंपरा में, विचारधारा में किसी सीट को हासिल करना, वापस लेना या किसी कुर्सी को हासिल करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं पॉलिटिक्स दिमाग से नहीं करता हूँ। मैं पॉलिटिक्स करता ही नहीं हूँ। मैं जनसेवा करता हूँ और वो दिल से करता हूँ। बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था, इस बार उससे भी बड़ा उलटफेर है कि पार्टियों का उलटफेर हो गया है, पर क्या जनता भी किसी उलटफेर की सोच रही है? बिल्कुल, जनता बहुत बड़े उलटफेर के चक्कर में है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंक चल रहा है, सभी लोग पीड़ित हैं और इस बार जनता बिल्कुल उलटफेर करने वाली है। हम तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, किसान हैं, गांव के हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता, हम खुद जनता हैं। वैसे एक हिसाब से देखा, हम राजा महाराजा नहीं है, हम इस क्षेत्र के जनता हैं, इस क्षेत्र के बेटे हैं और मैं खुद किसान हूँ, खुद जनता के बीच से हूँ, तो मुझे पता है कि जनता की क्या समस्या है और जनता के क्या समाधान है। जो महलों में रहने वाले हैं, दिल्ली में निवास करते हैं, जो व्यक्ति जनता के बीच में नहीं रहता, उनको थोड़ी पता है कि जनता की क्या समस्या है। जैसे ज्योतिरादित्य जी पिछली बार हारे, फिर पार्टी उनकी बदली है, तो उससे फायदा नहीं होगा? देखिए, हार ज्योतिरादित्य जी के अहंकार की थी पिछली बार, वही अहंकार उनका खत्म नहीं हुआ। आज भी वो राजा महाराजाओं की तरह आते हैं, हाथ हिलाते हैं, हमारे बुजुर्ग लोगों से पैर छुआते हैं और इस क्षेत्र में मैं गाँव गाँव में जाकर पूछ रहा हूँ, भैया किसी के पास उनका मोबाइल नंबर है क्या? 20 साल वो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, तो किसी के पास मोबाइल नंबर भी नहीं है। आपको यकीन है आप जीत? बिल्कुल 100% यकीन है, जनता बहुत हमारे साथ में है। थोड़ा भय का माहौल है, लोगों को धमकाया जा रहा है, FIRों के डर दिखाए जा रहे हैं, तो लोग खुल के आने में भयभीत तो हैं, परंतु वोट देने के लिए सभी तैयार और सभी लोग वोट दे रहे हैं। तीसरे चरण में देश प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे VVIP वोटरों को वोट देने के लिए लाइन में खड़ा भी देखेगा। गुजरात की 26 में से 25 और कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग है। गुजरात और कर्नाटक की इन सभी 40 सीटों पर BJP का कब्जा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद इन 14 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है, जिसके बाद BJP के लिए इन सीटों को बचाना भी बड़ी चुनौती होगा।